And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. हाय गाइस, और इस सेम टाइम हो रहा है, 8 बज रहे हैं और मैं तैयार हो गई हूँ. बस मुझे अभी अपने बाल मतलब बनाने हैं थोड़े से, और मैं जा रही हूँ कॉलेज क्योंकि मैंने आपको बताया था हमारे टेस्ट चल रहे हैं और असाइनमेंट वगैरह सबमिट करनी है, तो इसलिए जाना पड़ रहा है. वेट, हमारी वेट कर दूँ. हाँ, तो आज मेरे दो टेस्ट हैं, एक इकोनॉमिक्स का है और एक रिसर्च का है, जिसका ना तो मुझे सिलेबस पता है, कुछ भी नहीं पता है. पर कोई बात नहीं, टेस्ट तो हम कर ही लेंगे क्योंकि फ़ोन है हमारे पास, ये फ़ोन हमारे पास ही रहता है. वो बात अलग है, मैम बोल देती हैं बाहर रख दो, पर रखता कोई है नहीं. और बस मैं पूजा करूँगी और निकल जाऊँगी, टाइम हो रहा है पूरा, मैं लेट हो जाऊँगी वरना. और गाइस, आज मैंने ये टॉप पहना है जिसमें ये थोड़ा फूल वगैरह बने हुए हैं, मुझे काफ़ी सुंदर लगता है अपना ये वाला टॉप. और मैंने इसलिए पहना है क्योंकि आज नवरात्रि है, तो थोड़ा सा लगता है ना कि थोड़ी सी हम कुछ ट्रेडिशनल पहने, तो लॉन्ग कुर्ती वगैरह तो नहीं पहनी मैंने, ये पहन लिया है. बाकी अब मैं निकल रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ यार, ब्लॉग स्टार्ट करने में मैं लेट जाती हूँ. सो बस अब मैं आप लोगों को मिलूँगी सीधा कॉलेज में. यस गाइस, लड़ाई हो गई है आज कॉलेज में आते ही. उधर लड़ाई चल रही है गर्ल्स कॉलेज, एक दूसरे पे चीख रहे हैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा. डोंट शाउट ऑन मी, हाउ डेयर यू. और गाइस, बहुत तगड़ी लड़ाई हो गई है. मैं इसी वजह से क्लास में व्लॉग नहीं बनाती हूँ. गाइस, हमारी क्लास में ये सब होता है. नहीं, गाली भी दे सकते हैं हम, गाली दे सकते हैं. यस, हमारी ऑडियंस अच्छी है. यस, देखने वाली. बहुत बुरी लड़ाई हुई सीट के ऊपर क्योंकि आज टेस्ट है, सबको पीछे वाली सीट सही है. बहुत बुरी लड़ाई हुई है. सो गाइस, पहली क्लास हो चुकी है, टेस्ट भी हो चुका है, और टेस्ट में आज बहुत ही बुरी हालत हो गई थी. मैम ने फ़ोन वगैरह रखवा लिए थे जैसे तैसे करके, जहाँ पे हम चार पेजेस लिखते हैं वहाँ पे हमने सिर्फ दो पेजेस लिखे हैं. पर चलो, टेस्ट हो गया है, इधर आ जाना, खड़ी क्या है, आ जा. अब हम बैठे हैं, 2 घंटा वेट करेंगे फिर दूसरा टेस्ट देंगे. उस टेस्ट के बारे में भी कुछ नहीं आता और मेरे को पूरा शक है उस टेस्ट में हमारा ऐसा ही कुछ होने वाला है, ऐसी कुछ हालत होने वाली है. स्मिता तो कुछ बोलना चाहिए अभी जो टेस्ट होने वाला है उसके बारे में. अब उसका हमें ए भी नहीं आता है और उसमें इतने फॉर्मूले हैं. और सोचो, मैम ने कहा फोन रख दो तो हमारे पास कैलकुलेटर भी नहीं है. बस यही है, थर्ड ईयर में बस यही होता है. मैम से बोलेंगे कि मैम हमें फोन रखने दो, हाँ, फोन में कैलकुलेटर. वही मैम कहेंगे पागल हो ना, मैं तो कहेंगे पहली बार पढ़ा रही हूँ ना थर्ड ईयर के बच्चे में. चलो यार, मिलती हूँ थोड़ी देर में. वैसे फास्ट मुझे बता रही थी कि स्मिता की बहन मेरे व्लॉग बहुत ही डेडिकेशन के साथ देखती है, तो गाइस आप लोग भी देखा करो ना उसका चैनल, सृष्टि. तेरी बहन का नाम अंकिता ना यार, अंकिता कितनी अच्छी है, लव यू अंकिता यार, तू ही है बस मेरी वो बिल्कुल क्या सच्ची. नहीं ऐसा नहीं है, और लोग भी यार 200-250 लोग तो देखते हैं तो. पर वो यार मेरे हर वीडियो पे कमेंट करती है यार, वो लड़की बहुत अच्छी है, मतलब उस मुझे ऐसा लगता है कि वो सच्ची मेरे व्लॉग का वेट करती है. गाइस, सरकारी कॉलेज. गाइस, हम लोग इस सीट लेके जा रहे हैं. एक बार और चीखी चीखी सुनते हुए हमारे बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है. गाइस, मैं बाहर जाके बात करती हूँ आप लोगों से. सबसे पहले सृष्टि ने मेरे साथ लड़ाई करी पहली बार और पर शॉर्ट हो गई. शॉर्ट इतनी लड़ाई थी सिर्फ थोड़ी देर की थी. हाँ, एंड देन फिर हमारे 2 एग्ज़ाम्स हुए और आज दोनों ही टीचर्स ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली एग्ज़ाम लिया हमारे. हाँ, फ़ोन ले लिए बच्चों. दुखती रख पे क्या कर दिया, हाथ रख दिया. यार आज हमारा सारा प्लान ख़राब हो गया. हम लोग सोचते थे मस्त अच्छे से कर लेंगे, कंटेंट निकाल कर लाए थे, पर और सब मैम ने बहुत स्ट्रिक्टली पेपर लिया. सारे सीक्रेट्स बता दी, चाहे कोई टीचर देख लिया. नहीं मैम, आप लोगों को तो पता ही है ना, आज मैं सब कुछ मेन ग्रुप में भेज देती हूँ कॉलेज के ही वाला. तो गाइस, अब हम बस निकल रहे हैं और आज हम बहुत लेट हो गए हैं, 4 बजे 4 बज गए हैं और अब हम निकल रहे हैं कॉलेज से. अब मैं आपको मिलूंगी
सीधा ये BTS वाले करते हैं, मेरे को नहीं आती ये BTS वाले करते हैं, नहीं करना चाहिए। हाँ छोड़ो मैं काट दूंगी। BTS वाले ही करते हैं, यूनिक ही राइट है नहीं मतलब। सो गाइस अब मैं आप लोगों को मिलूंगी खड़ पे। अरे सो गाइस मैं सो के उठ गई थी और मैंने दिया जला दिया है, और अब ना मैं आपको दिखा रही हूँ ये छोटे वाले जो हवन आते हैं ना, ये वाले मैं ये जरूर जलाती हूँ नवरात्रि में। काफी अच्छे रहते हैं और पूरा ऐसे लगता है कि जैसे घर में हवन हुआ हो। तो आप लोग भी खरीद के ट्राई करना, मिल जाते हैं सारे पूजा वाले शॉप पे, छोटे हवन के नाम से आते हैं ये। बस इसमें ऐसे छोटी सी कपूर रखनी होती है और आप इसे माचिस से जला दीजिए, पूरे घर में आप ऐसे जलाएंगे ना तो बहुत शुद्ध सा हो जाता है, काफी ज्यादा अच्छा लगता है। मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इसको ऐसे रख दिया है, अभी अच्छे से पूरा इसमें वो हो जाएगा। और ये छोटे लड्डू गोपाल जी, ये माता जी, और ये लड्डू गोपाल जी। सो गाइस पूजा हो गई है, डन, मिलती हूँ आप लोगों से अभी। सो गाइस मैंने पूजा कर लिया है और मैं कॉलेज से आकर बहुत ज़्यादा थक गई थी, बल्कि पूजा करने में भी थोड़ी लेट हो गई, पर कोई नहीं, आज थोड़ा सा बिजी डे था क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी, फिर साइक क्लास लेनी थी, लेट निकले थे। और मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, हमारे कॉलेज में आ रहा है परमीश वर्मा, और मतलब मेरे कॉलेज में इतने बड़ा सिंगर अभी तक नहीं आया, तो बहुत मज़ा आने वाला है। मेरे व्लॉग के लिए मुझे कंटेंट खुद ब खुद मिल जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही थी तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार मैं क्या बनाऊंगी, कुछ इतना खास तो होता नहीं है, मतलब क्या ही हम लोगों की नॉर्मल लाइफ चलती है इतनी, वरना थोड़ी पर्सनल लाइफ होती है, तो अब वो सब तो एकदम से आके मैं नहीं दिखा सकती हूँ। तो पर मेरे को ऐसा लगता है कि आप अगर किसी चीज़ को करना चाहते हो ना और आपको बहुत मन है तो आप स्टार्ट कर दो, खुद ब खुद चीज़ें होती रहेंगी। अब मेरे को खुद ब खुद कंटेंट मिलता रहता है, तो जैसे कि अब वो तो 8 अप्रैल को आ रहे हैं, बट उससे पहले अब मैं वीकेंड पे जा रही हूँ कहीं घूमने, तो वो व्लॉग ज़रूर देखना। अभी सैटरडे या संडे में आएगा वो व्लॉग, ट्राई करूँगी मैं संडे की नाइट को अपलोड करने की। और मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ जा रही हूँ 5 साल बाद, तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। कल व्लॉग नहीं बनाऊंगी क्योंकि कल मैं सारी सामान वगैरह पैकिंग वगैरह करनी है मेरे को। तो लाइक कर दे करो, जो पार्ट अच्छा लगता है वो कमेंट भी कर दिया करो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams. Then you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it.